पॉलिटिकल साइंस नेट के लिए जो सिलेबस है UGC की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, इसमें इकाई 1 में राजनीतिक सिद्धांत आएंगे जिनमें अवधारणा और राजनीतिक परंपराएं। इकाई 2 में राजनीतिक विचार हैं जो वेस्टर्न राजनीतिक विचार हैं, उनमें इकाई 2 में वेस्टर्न राजनीतिक विचार हैं जिनमें कन्फ्यूशियस, प्लेटो, अरस्तु ये इत्यादि राजनीतिक विचारक हैं। इकाई 3 के अंदर भारतीय राजनीतिक विचारों को शामिल किया गया है, इसमें धर्मशास्त्र से संबंधित अपने महाभारत या अपने जो उपनिषद वगैरह राजनीति के बारे में क्या कहते हैं, वेद वगैरह, कौटिल्य, अघाना, सुतवर्णी, कबीर, पंडित रमाबाई इत्यादि राजनीतिक विचारों को शामिल किया गया है। इकाई 4 के अंदर तुलनात्मक राजनीति जो कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। इसमें हमें उपागम ये MA PVS या MA फाइनल से ये संबंधित टॉपिक है, हमें इसमें मिलने वाले हैं। इसके अलावा इकाई जो 5 है उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा इकाई जो 6 है उसमें भारत की विदेश नीति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें भारत की गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ, भारत की पंचशील की नीति, नेहरू की जो पंचशील की नीति है और अपने जो लेटेस्ट अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकाई 7 के अंदर भारत में जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, संविधान सभा, उसका गठन कैसे हुआ, भारत में न्यायपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका, संसद, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकाई 8 के अंदर भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, इसके संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकाई 9 जो है उसमें लोक प्रशासन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकाई 10 में भारत में शासन विधि तथा लोक नीति के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में पंचायती राज, इस तरह के जो सुशासन है, लोकतंत्री शासन है, उसमें राज्य की भूमिका, नागरिक की भूमिका, इससे संबंधित क्वेश्चन UGC नेट के पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये था UGC नेट पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, राजनीति विज्ञान का सिलेबस। इसकी अच्छे से तैयारी करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम तैयारी करेंगे तो हम श्योर नेट को क्रैक कर सकते हैं।